जी वेलकम बैक। हम लोग जो है अपने सेशन को जो है वो वहीं से रिस्टोर करते हैं जहाँ से हमने जो है इसको ब्रेक किया था। और ये हमारे पास जो है वो हमारी प्रॉपर जो हमने जो पॉलिसीज के लिहाज से हमने पॉलिसीज के ना जो हमने प्रॉपर लेवल स्ट्रेटजीज के लिहाज से बात की थी। तो दिस इज व्हाट दिस इज हाउ हमारी स्ट्रेटजी जो है वो मूव करके कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर ये हमारी स्ट्रेटजीज मौजूद होगी। अब हम हर एक स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो मजीद फर्दर आगे जो है चीजों को देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास हर एक स्ट्रेटजी के अंदर किस किस तरह की स्ट्रेटजीज इंक्लूड है। हमें ब्रॉड स्ट्रेटजी तो देख ली कि चाचा जी ठीक है इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है, ये तो हमने समझ लिया। अब हर एक स्ट्रेटजी के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरियाज है, कुछ ना कुछ डायनामिक्स है, कुछ ना कुछ हमारे पास फोकसेस होंगे। क्या वो फोकसेस क्या है वो अब हम जो है वो देख के चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब हमने बात की थी एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी में, और एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी में जो सबसे पहली चीज हमने देखी थी वो हमने देखी थी इंटेंसिफिकेशन को। जब मैं इंटेंसिफिकेशन के लिहाज से बात की तो इंटेंसिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन बेसिक एरियाज है, तीन बेसिक इश्यूज है, तीन बेसिक एक्टिविटीज है, तीन बेसिक प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन, सेकेंड वन इज मार्केट डेवलपमेंट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम जो इंटेंसिवली या हम जो पूरी फोकस के साथ या पूरी डेडिकेशन के साथ जो हम पेनिट्रेट करते हैं किसी मार्केट में या किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मूव कर रहे होते हैं, तो हम बेसिकली तीन तरह की बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आइदर वी क्रिएट अ मार्केट पेनिट्रेशन, हम या तो मार्केट पेनिट्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि वी एक्चुअली स्टार्ट टू पेनिट्रेट विद इन द मार्केट। और पेनिट्रेट हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास नई सिनेरियो या जो भी हमारे पास नई चीज क्रिएट हो रही है, जो भी हमारे पास नया इशू या नया मेथोडोलॉजी जो है वो हम डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें हम जो है वो इंक्लूड करेंगे या क्या क्या चीजें हम एक्सक्लूड करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे, लाइक हम किस तरह की मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जा रहे हैं। जिस मार्केट में हम पेनिट्रेट करने के लिए जा रहे हैं उस मार्केट का नेचर क्या है, उस मार्केट की डायनामिक्स क्या है, उस मार्केट की लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उस मार्केट का कल्चर क्या है, किस तरह की रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब एक बात ये देखिए, कॉमनली एक बड़ी सिंपल सी बात हम इसमें ये कहेंगे कि जब हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के ऊपर जाते हैं, तो जब हम मार्केट के अंदर मार्केटिंग करने की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं उन तमाम के तमाम स्ट्रेंथ्स को, उन तमाम के तमाम वीकनेसेस को जो कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की है। मिसाल के तौर पर चाय के लिहाज से बात करें, मतलब एक सिंपल सी एग्जाम्पल टी के लिहाज से बात करें, अगर हमें टी को पेनिट्रेट कराना है किसी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में, चलो सपोज अगर हमें उसको इंटीग्रेट या हमें पाकिस्तान के अंदर उसको पाकिस्तान की मार्केट में उसको पेनिट्रेट कराना है, तो हम लोग अगर फैमिली नॉर्म्स या फैमिली कल्चर्स को साथ लेके चले या अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर फैमिली नॉर्म्स और फैमिली कल्चर को दिखाएं, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि हम उस मार्केट को पेनिट्रेट कर सकें, बिकॉज हमारी एफिलिएशन, हमारी एसोसिएशन, हमारी वर्किंग डायनामिक्स हैं वो फैमिली एसोसिएटेड होती है। इसी तरीके से हम मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाज़ोकात हम नई मार्केट डेवलप करते हैं। नई मार्केट डेवलप करने का क्या मतलब है, नई मार्केट डेवलप करने का मतलब ये है कि एक चीज जो कि आपकी कभी भी आपकी उस मार्केट के अंदर पहले मौजूद ही ना, लाइक आज से 5-6 साल पहले या 7 साल पहले आप ले लो, आप में से किसी को 2G 3G 4G रादर अब 5G का कॉन्सेप्ट पता था, किसी को भी नहीं पता था, नो वन न्यू अबाउट दिस थिंग कि ये चीजें हैं क्या। इसको जब आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, आप उस चीज के बारे में उस चीज की मार्केट कैसे डेवलप होगी। सेकेंड जो सिनेरियो हमारे पास क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है इंटेंसिफिकेशन में कि मार्केट डेवलप करें। अब मार्केट किस तरीके से डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुई मुख्तलिफ तरह के एड्स पब्लिश करके, मार्केट डेवलप हुई मुख्तलिफ तरह के लोगों को नॉलेज देके, मार्केट डेवलप हुई मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंटेशन शो करके, मार्केट डेवलप की गई मुख्तलिफ तरह के लोगों के फीडबैक्स लेके, मार्केट डेवलप की गई क्लस्टर पेनिट्रेशन के थ्रू, मार्केट डेवलप की गई लोगों को अवेयर करके, लोगों को साइकोलॉजिकली याद करा करा के जी एक चीज है। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर चला जाऊँ या बैकग्राउंड के अंदर अगर हम पीछे के टाइम में चले जाए, तो जब तक 3G 4G नहीं आए थे तब तक लोगों के पास क्या चीज मौजूद थी, तब तक लोग SMS करते थे, नाइट पैकेजेस होते थे कॉल के जो कि आप यूज कर रहे होते थे, या फ्रीक्वेंट बल्क मैसेजेस होते थे, बटन मैसेजेस होते थे जिसका बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर यूज कर रहे होते। फिर जब 3G 4G आया
तो फिर आपके पास चीजों ने चेंज होना स्टार्ट किया। फिर आपने उस वक्त जो है वो मैसेजेस, आप तस्वीरें वगैरह भेज रहे होते थे जीपीआर, जीपीएस या एमएमएस के थ्रू आप भेज रहे होते थे। अब जीपीएस और एमएमएस के थ्रू भेजना एक अलग मसला होता था, लेकिन ये उससे कोई मेथडोलॉजी अभी तक यूज कर रहे होते थे। बट जब आपके पास 3G और 4G आया या 2G और 3G आया, तो मार्केट बदल की गई, उस पर टारगेट थी जो सारे के सारे ये काम होते थे मुश्किल तरीके से कर रहे होते, काम को बहुत आसान तरीके से भी हो सकता। और आसान तरीका क्या था, क्या आप अपने मोबाइल के अंदर जो है इंटरनेट में 3G और 4G अवेलेबल थी गूगल पर में। 3G और 4G अवेलेबल करने के बाद आप जो चाहे प्रोडक्ट को या जो चाहे चीजों को जो है तो आप मार्केट के अंदर जो है वो भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आप तस्वीरें चाहे लॉन्ग डिस्टेंस चैट चाहे या लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज है जो भी चाहे बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते। तो जो नई मार्केट की डेवलपमेंट होती है, न्यू मार्केट की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, न्यू मार्केट का जो पेनिट्रेशन होता है, वी कॉल इट मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर मार्केट वहां पर सब तक डेवलप ही नहीं हुई होती है। इसके बाद जो तीसरा एरिया है वो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एरिया में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों के साथ अवेयर कराते हो या मार्केट में लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग देते हो। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, वो मार्केट नहीं है, वो पूरा के पूरा एक सिंपल एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को किसने लिया, कैसे डेवलप किया, कैसे चलाया, ये सब बात की बात है। लेकिन उस प्रोडक्ट की एक नया प्रोडक्ट था और एक रेडिली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट था। नया प्रोडक्ट क्यों था, नया प्रोडक्ट इस तरीके से था क्योंकि नो वन न्यू अबाउट दिस। पहले हम लोग जो है वो फेसबुक ट्विटर के ऊपर जो है वो चल रहे होते थे, मैसेजेस कर रहे होते, मैसेजेस यूज कर रहे होते। देन केम और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक अलग पूरा के पूरा प्रोडक्ट था और उस प्रोडक्ट ने न सिर्फ डेवलप किया, मार्केट किया, अकोमोडेट किया, अकोमोडेट करके चीजों को एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजीज जो है, ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजी हमारे पास इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर। इसके बाद हम अब इंडिविजुअली एक एक को स्पेसिफिकली भी देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। मार्केट पेनिट्रेशन इन्वॉल्व trying to gain additional share of from existing market using existing product, often found rely on advertising to attract new customer with existing market. नए customer को target करना existing market में से, this is what we call market penetration, this is what we call market incorporation. ठीक है, example अगर हम देखें market penetration की, तो Nike की उन्होंने example ये दी हुई है कि Nike जो है वो Nike feature famous athletes in print and television ad designed to take market share within the athlete shoes business from Adidas and other rivals. Like Nike जो है वो चूंकि है तो एक athlete's footprint, मतलब एक athlete's का जो है वो shoes है, और लेकिन उस market में existing business किसका है, Adidas का, बाकी rivals का। तो what it do is that market penetration में तो वो continuously अपने product को advertise करता है, उसके ads इस तरीके से design करता है ताकि वो maximum share acquire कर सके from उसके rivals या उसके opponents से। McDonald's के लिहाज से बात किए, मैकडॉनल्ड ने जो है वो अपना एक लेटिनो थीम जो है वो स्टार्ट की है अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और लेटिनो थीम स्टार्ट करने का मतलब ये है, मतलब और लेटिनो थीम का मतलब ये है कि स्पेनिश लैंग्वेज यूज किया। और बेसिकली क्यों उसने इस तरीके से किया है, उसने इस तरीके से किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो स्पेनिश लोग हैं या जो स्पेनिश मार्केट है उसके अंदर मैकडॉनल्ड इजीली पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, इसके बाद बल्कि एक मिनट है इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद वहां अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछो, तो फिर वरना हम आगे चलते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, टेकिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ट्राइंग टू सेल देम विद इन न्यू मार्केट्स। हम नई मार्केट के अंदर या नई मार्केट को डेवलप कर रहे होते, नई मार्केट को डेवलप करने का मैंने जिस तरीके से आपको 3G 4G एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान उसकी मार्केट नहीं था बट भी डेवलप है। और वो ऐसा नहीं था कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो दुनिया में तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, बट वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता चुके, तो पाकिस्तान में नई मार्केट से क्रिएट करना इज मार्केट डेवलप। ठीक है, ये अब आपकी जो स्टारबक्स कॉफी है ये तो बड़ी बहुत फेमस है इस मामले में, तो इसकी मार्केट डेवलपमेंट की जो है, क्योंकि एवरीवन नोज स्टारबक्स, बट मिसाल का मतलब स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान में स्टारबक्स जब इंट्रोड्यूस होगा तो उसका किस तरीके का सिनेरियो होगा। दिस इज व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट इज आल्सो, पढ़ लो एक दफा फिर आगे चलते हैं।
ठीक है ओके ये आपके पास टेस्टी केक के नाम से एक कंपनी है, इसकी न्यू एंट्रेंट एग्जाम्पल है, अब इन्होंने जियोग्राफिकल एरियाज के थ्रू की एग्जाम्पल दी हुई है। ओके आगे आ जाओ, मजीद फर्दर आगे हम देखें, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सिंपल क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, हमने जो व्हाट्सएप की एग्जांपल ली, अब यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल्स कौन से ले रहे हैं, वॉल्ट डिज्नी की एग्जाम्पल ले लो, ये पढ़ लो, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें उन्होंने ये कहा कि जी वॉल्ट डिज्नी ने मूवीज बनाना स्टार्ट की, वॉल्ट डिज्नी ने जो है उसने एक्सपेंड किया ऑफरिंग में फिल्म बिजनेस के अंदर, कि ताकि कि वो मूवी कार्टून से निकल के मूवी से निकल के वो रीफीचरिंग रियल एक्शन हीरोज और रियल हीरोज के ऊपर जो उसने फिल्में बनाना शुरू कर दी। दिस इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कोका कोला पेप्सी के लिहाज से बात करें, वो अपनी वेराइटी जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लाइक कोक जीरो जिस तरीके से आई है। आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, इशू और किसी के पास भी हो रहा है, आवाज नहीं आने का। मुझे कंफर्म करो मेरी आवाज क्लियर आ रही है बाकी सब लोगों को? जी सर आ रही है। जिशान बेटा मेरे पास, अब मेरे पास तो सारी के सारी सेटिंग्स ठीक आ रही हैं। आप एक काम करो, आप अपनी तरफ से माइक चेक कर लो या तो आपके स्पीकर वगैरह सही है, बाकी कि मीनवाइल परेशान नहीं हो, अगर आवाज तो इशू आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस तरह का आ रहा है तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, तो कोई नसने की बात नहीं है, इतना बड़ा देख लो, क्योंकि बाकी सबके पास मेरे पास मैसेज ही आ रहे हैं, उनके पास आवाज आ रही है, तो देख लो अपना वॉल्यूम चेक कर लो उसका स्पीकर वगैरह का। ओके अब इसके बाद देखें, इसमें हम मजीद फर्दर आगे देखते हैं, टैक्सी ने चेरी वनीला फ्लेवर भी निकाला, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए भी पहली दफा की नॉलेज है बेटा, अगर ये इसमें है, बट पाकिस्तान में ठीक मुझे मौजूद नहीं है, चेरी वनीला फ्लेवर कैसा होगा, अजीब सा फ्लेवर होगा, पता नहीं, बट निकाला तो किसी ना किसी रिसर्च के थ्रू ही निकाला होगा। ठीक है, अब इसके लिहाज से ये पता चला कि जी पेप्सी ने जो है वो चेरी वनीला फ्लेवर भी निकाला है, तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, और ये नए प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं और मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं मार्केट में सर्वाइवल के लिए, पेनिट्रेशन के लिए या वर्कआउट करने के लिए, ताकि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की सेल को मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पढ़ी थी। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर हमने मजीद फर्दर आगे ये बात कही थी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक्विजिशन मर्जर स्ट्रेटेजिक अलायंस होते हैं। ठीक है, अब हम मजीद फर्दर आगे इसको डिटेल में देखते हैं कि मजीद फर्दर इसके अंदर क्या, किस चीज से क्या मतलब होता है। ओके सबसे पहले हम आते हैं और हम आके जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व न्यू पोजीशन ऑफ वैल्यू चेन, मतलब एक नई चीज को वैल्यू चेन के अंदर जो इनकॉर्पोरेट करना, इसको पढ़ लो फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे इसको डिस्कस कर लो। वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है या वर्टिकल इंटीग्रेशन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज इसमें इसने डेफिनेशन में भी इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी मोस्टली वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब नीचे से ऊपर मूव करने की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फर्म्स वर्टिकल इंटीग्रेशन में कब इन्वॉल्व होती है, जब वो वैल्यू चेन में नया पोर्शन क्रिएट करने की स्टार्ट करती है। मीन्स हम एक वैल्यू चेन या हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं, और जब हम उस बिजनेस में रन करने के अंदर एक एडिशनल सप्लाई चेन का कोई प्रोडक्ट या एक ऐसी चीज ऐड करने की बात करें जो हमारे अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करेगी, तो इस तरह के इनकॉर्पोरेशन को वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं।
बहुत अट्रैक्टिव अप्रोच है. अट्रैक्टिव अप्रोच और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है जब आपके पास बायर्स के पास या जब आपके पास जो परचेज करने परचेजर है उसके पास शदीद एक्सट्रीम पावर है, बिकॉज वो एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो कवर करना होता है, मतलब एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल हो रहा है. एक्सपेंसेस को अपने ओवरकम करने के लिए, एक्सपेंस को अपने डाइल्यूट करने के लिए जो है मजीद फर्दर प्रॉफिट को इंक्वायर करने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डील करता है. इसके बाद जो आपके पास आती है एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन की, आपके पास कंपनीज की एग्जाम्पल्स है, लाइक ऑयल कंपनीज है, जैसे ना एक कोलोको फिलिप्स के नाम से कंपनी थी. कोलोको फिलिप्स ने क्या किया, क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, ट्रेनिंग में, शिपिंग के अंदर जो है ऐसा काम था. और उसने अब क्या किया, उसने फिर उसके बाद ऑयल के साथ साथ गैस को भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया. मीन्स ऑयल में तो वो प्रॉफिटेबल था ही, लेकिन उसने अपनी मजीद फर्दर आगे एक वैल्यू चेन ऐड कर ली और उसको उसने गैस का जो है वो नाम, ये तो नहीं कहूँगा कि गैस का नाम दिया, लेकिन ये कि उसने एक गैस को भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया, गैस को भी अपनी ब्रांड के अम्ब्रेला के नीचे ले आया. तो अब कोनोको फिलिप्स जो है वो न सिर्फ ऑयल प्रोवाइड करती है बल्कि कोनोको फिलिप्स अब गैस सप्लायर फर्म भी. ठीक है, इसी तरीके से आगे हम आते हैं, हम आके देखते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है. जस्ट एक मिनट पढ़ लो इसको, फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को भी देखते हैं. ओके, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को ज्यादा एक्सप्लेन हम आसानी से कर लेते हैं जब हम उसकी एग्जांपल्स के थ्रू मूव करने दें. लाइक डिज्नी ने फॉरवर्ड या वर्टिकल इंटीग्रेशन को जो है जब मूव किया, उसने किस तरीके से किया, 100 और रिटेलर स्टोर उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को सेल करना स्टार्ट किया. मतलब डिज्नी के लिहाज से अगर आप बात करें तो डिज्नी इज बेसिकली अ कार्टून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है, मतलब वो बेसिकली क्या बनाती है, वो कार्टून बनाती है, वो मूवीज बनाती है. ठीक है, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में उसने क्या किया, उसने ये किया कि कार्टून और मूवीज तो बनाए बनाए साथ में, वो तो बना ही रही थी, साथ में उसी को उसने मजीद फर्दर आगे एक्सपेंड किया. और एक्सपेंड करने के साथ उसने डी स्टोर से कॉन्सेप्ट निकाला. डी स्टोर का कॉन्सेप्ट बेसिकली डिज्नी स्टोर का कॉन्सेप्ट है. डिज्नी स्टोर के कॉन्सेप्ट में उसने क्या किया, उसने कहा कि जी मेरी फिल्में तो बिकी रही हैं, मेरे कार्टून तो बिकी रहे हैं, साथ में उसने उसके मर्चेंडाइजेस भी बनाना शुरू कर दिए. मर्चेंडाइजेस बनाने का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, वो मर्चेंडाइजेस बना के जो डी स्टोर पे रखता था और डी स्टोर पे रख के वो भी सेल करने लगे. मीन्स एक ही, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो. पिछली वाली इंटीग्रेशन के अंदर हमने ये चीज कही कि जी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसके साथ हमने एक एडिशनल प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट भी अपने अम्ब्रेला में ले लिया. यहाँ हमने ये कहा एक ही प्रोडक्ट था, उसी के सीक्वेंस में पहले हम उसको एक तरीके से कर रहे थे, तो उस एक तरीके से हमने दूसरे तरीके से भी उसको चलाना शुरू कर दिया. ठीक है, इसमें प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, पिछले वाले में प्रोडक्ट चेंज हो रहा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिहाज से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट. ओके, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन को हम समझ लेते हैं इसके साथ फोर्ड की एग्जांपल के साथ. फोर्ड ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से की, क्रिएटेड सब्सिडियरीज दैट प्रोवाइडेड की इनपुट इन व्हीकल सच एज रबर, ग्लास, मेटल. दिस अप्रोच इंश्योर्ड दैट फोर्ड नॉट be heard by suppliers holding out higher prices or providing material inferior quality. Okay, Ford ने क्या किया backward integration के अंदर, Ford ने backward integration को इस तरीके से लेके चला कि उसने खुद अपनी तरफ से, मतलब उसने खुद अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री के अंदर या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो आपके इनपुट्स होते हैं, अब इनपुट्स किस तरह के होते हैं, लाइक रबर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट जैसे गाड़ियां जो है वो प्रॉपरली गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, गाड़ियां फिनिश होती हैं, उन तमाम के तमाम प्रोडक्ट उसने इंश्योर ये किया कि ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं उसकी सब्सिडियरीज के अंदर क्रिएट हो. अपनी सब्सिडियरीज में क्रिएट होने से उसको फायदा ये हुआ कि अब अगर सप्लायर किसी प्रोडक्ट को या जिस जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी फोर्ड चाहता है, सप्लायर उस पर्टिकुलर क्वालिटी को देने के लिए फोर्ड को ब्लैकमेल नहीं कर सकता. क्यों ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो फोर्ड की अपनी ही सब्सिडियरी है. फोर्ड ने बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन से अपनी जो रिलायबिलिटी है या अपनी जो डिपेंडेंसी है मार्केट सप्लायर्स के ऊपर वो कम से कम कर ली. अपनी सब्सिडियरी बनाने का उसको फायदा ये हुआ कि अगर अब उसे जिस स्पेसिफिकेशन के जिस तरह की प्रोडक्ट चाहिए है वो प्रोडक्ट को मार्केट से एक्वायर करने के बजाय अपनी ही सब्सिडियरी से एक्वायर कर लेते हैं. उससे फायदा ये है कि उसको उसकी तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं.
मेन लाइन अगर वो वही प्रोडक्ट मार्केट से लेने की कोशिश करें, मार्केट के सप्लायर से लेने की कोशिश करें, तो देयर आर टू चांसेस. पहला तो ये कि शायद उसे बहुत हाई प्राइस पे कर दे, और दूसरा ये है कि क्वालिटी उसकी कम हो. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी लगाई फोर ने और अपनी ही सब्सिडियरी क्रिएट कर दी. इसके बाद हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली जो है वो मर्जर एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. हमने जब इसके में मर्जर एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात की थी, वो हमने बता दिया था, वही सेम चीज हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अंदर मोस्टली आ रही होती है कि या तो हम मर्ज कर रहे होते हैं या एक्वायर कर रहे हैं. ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको एक दफा पढ़ लो फिर हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं. ओके चलो आगे देखिए, एक्विजिशन की बात करते हैं. अब हम एक्विजिशन मर्जर के डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, जो हमने जो है अपनी अर्ली स्ट्रेटेजी के अंदर पढ़ी हुई थी. अगर आप यहां से देखो तो हमने अपनी मर्जर एक्विजिशन की हॉरिजॉन्टल की जो स्ट्रेटेजी रखी हुई थी, उसमें सबसे पहला हमारे पास मर्जर एक्विजिशन था. उसमें हमारे पास मर्जर था, ये मर्जर है, सॉरी एक्विजिशन है. हमने तो उल्टा चला था, हमने पहले नीचे से अलायंस से किया था, अलायंस से मर्जर पे आया, तो मर्जर एक्विजिशन पर, फिर एक्विजिशन से मर्जर पर. नाउ अब आप एक्विजिशन पढ़ लो, आपको एक्विजिशन का डेटा मिल जाएगा, ये डील मिल जाएगी, आपको मजीद फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा कि एक्विजिशन का क्या मतलब है. उसामा बेटा इसको देख लो, ये बेसिकली आपकी डेफिनेशन है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट मजीद फर्दर क्लियर कर देगी. ओके अब हम एक्विजिशन को मजीद मतलब होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, एक्विजिशन का क्या मतलब होता है. एक्विजिशन का मतलब है कंपनी परचेज कर लेती है. कौन सी कंपनी परचेज करती है, जिसकी किन कंपनी को परचेज किया जाता है, जो कि मोस्टली छोटी होती है आपकी एग्जिस्टिंग फर्म से. ठीक है, अब एक्विजिशन के अंदर इसकी एग्जाम्पल देखो कि डिज्नी ने पिक्सर को जो है जिस तरीके से एक्वायर किया था. डिज्नी बहुत बड़ी कंपनी थी मैरामैक्स और पिक्सर के मुकाबले में, तो डिज्नी ने क्या किया, मैरामैक्स और पिक्सर को एक्वायर कर लिया. लेकिन इस एक्विजिशन का मतलब या इस एक्वायरिंग का मतलब ये नहीं था कि पिक्सर और मैरामैक्स खत्म हो गए. पिक्सर भी मौजूद है, मैरामैक्स भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों किसके अंडर काम कर रही हैं, डिज्नी के अंडर काम कर रही है. तो ये बेसिकली आपका मेजर कॉन्सेप्ट या पंच लाइन है एक्विजिशन की. ठीक है, इसके बाद ओके इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आते हैं, और आगे आके अब हम देखते हैं मर्जर क्या चीज होती है. एक्विजिशन को हमने देख लिया, अब मर्जर की अगर हम जब बात करते हैं, तो मर्जर का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन एक्वायर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अदर इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स और कैश, और बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर डिसॉल्व एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंबाइंड इन न्यू स्टॉक इशू. मींस एक कंपनी की एंटिटी दूसरी कंपनी की एंटिटी के अंदर मर्ज हो जाती है. एक कंपनी अपने तमाम के तमाम प्रॉफिट, तमाम के तमाम एसेट्स, तमाम के तमाम लायबिलिटीज के साथ उठती है और उसके दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो जाती है. मींस एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, तो कंपनी बी का नाम खत्म हो जाता है और कंपनी बी के जितने भी शेयर्स हैं, कंपनी बी की जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी बी के जितने भी लायबिलिटीज हैं, कंपनी बी के जितने भी एसेट्स हैं, वो तमाम के तमाम उठते हैं और उठ के कंपनी ए के अंदर आ जाते हैं. दैट मींस कंपनी बी इज खत्म एंड कंपनी ए इज ऑनवर्ड मूविंग. ठीक है, अब इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लो जिस तरीके से एग्जॉन मोबिल की इसकी एग्जाम्पल है के, आपके पास जो है बिग मोबल, बिग ऑयल जो है उसने एक्जॉन मोबिल को जो है वो एक्जॉन मोबिल जो है वो बेसिकली बिग ऑयल के साथ जो है उसने मर्जर कर लिया था. तो ये उसकी एग्जांपल है, तो ये देखो ठीक है. अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और आगे आगे स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं. स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है,
स्ट्रेटेजिक अलायंस कॉर्पोरेट अरेंजमेंट है दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, मतलब कि वो नई एंटिटी नहीं बनाते, अपनी पुरानी एंटिटीज ये रखते हैं। लाइक जिस तरीके से हमने नेस्कैफे की एग्जांपल दी थी कि नेस्कैफे एक कॉफी कॉफी रही कप कप रहा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ली ताकि दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ सके। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है, ये इसकी एग्जाम्पल ट्विटर और याहू की एग्जाम्पल सबसे मेजर एग्जाम्पल है। इसी तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप की वो भी बड़ी मेजर एक एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक अलायंस की। तो जस्ट रीड इट और फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आगे चलते। ओह माय गॉड, उसामा ने इतने सारे फनी स्माइली फेसेस बना के भेज दिए, चलो अच्छी बात है। ओके, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के मजीद फर्दर आगे चीजों को देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में और क्या क्या चीजें। इसके बाद हमने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। अब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या है कि जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि नई वैल्यू चेन को पूरा के पूरा ऐड करना, मतलब कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोसेस, कोई नई एक्टिविटी को जो है अपने पास इनकॉर्पोरेट करना या अपने पास इंट्रोड्यूस करना या अपने पास लेकर आना। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, ये जब हम अब हम बात करते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को, तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो इसको आप इसकी एग्जांपल्स के थ्रू देख लो, और इसकी एग्जांपल्स के अंदर अगर आप आओ तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल एवॉन की है। एवॉन बेसिकली आपकी जो है वो ज्वेलरी शॉप है या ज्वेलरी आपकी कंपनी है जो कि आपके डोर टू डोर जो है वो सेल कर रही होती है। अब वो किस तरीके से करती है, वो नया प्रोडक्ट लाया, मतलब प्रोडक्ट तो आपके पास एक नया आ गया, यानी कि एक आपके पास ज्वेलरी के अंदर कोई नई चीज है तो आप डोर टू डोर सेल कर रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वह प्रोडक्ट आपने नया किया और आप उसको एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लेके चल रहे हो, यानी कि जो आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आप उसके थ्रू उसको लेके चलते हो। प्रोडक्ट नया होता है, चैनल आपका पुराना होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के ना मजीद फर्दर आगे जो है वो हमारे पास दो तरह के एरियाज जो हम यूज कर रहे होते हैं, एक हमारे पास कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है और एक हमारे पास कंग्लोमरेट होती है। अच्छा, यहां से आगे मैं शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मैं तुम लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ और मैं सेशन क्लोज कर दूंगा, तो फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लास्ट सेशन जो स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर हम लास्ट सेशन के अंदर ये चीजें डिस्कस करके पेपर थ्रू डिस्कस कर लेंगे। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ तुम लोगों के अटेंडेंस के अंदर, मुझे कंफर्म कर देना कि अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया, ताकि मैं फिर सेकंड सेशन की तुम्हारी अटेंडेंस को क्लोज कर सकूं। ओके, माहिर बेटा माइक ऑफ कर दो अपना। अब्दुल वलीद के बाद है अलमास सत्तार के बाद है अक्सा वहाब के बाद है बीबी निदा के बाद है फीलिक्स के बाद है काशिफ अब्दुल गनी के बाद है माहीन के बाद है मारिया सलीम। एक मिनट हसनैन बेटा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मैं हाथ रेस किया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे गाइडेंस लेना है, मैं फिर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। मारिया सलीम के बाद है मिनाल खत्री
के बाद है मोहम्मद हसान के बाद है मुस्कान मंसूरी नादिर नादिर इज आई थिंक महरीन उसामा के बाद है जीशान जीशान के बाद है हसनैन हसनैन आजम खान के बाद हैं इमरान एम इलियास इमरान इलियास के बाद आते हैं जब्बार अली खान शेर अली जी जनाब मैं नाम आप लोगों के रिपीट कर रहा हूं अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो वो मुझे बता दो ताकि मैं उसको ऐड कर लूं अब्दुल वहीद अलमास सत्तार अक्सा वहा बीबी नदा फिलिक्स काशिफ अब्दुल गनी माहीन मारिया सलीम मिनाल खत्री मोहम्मद हसान मुस्कान मंसूरी महरीन नदा सत्तार पलवशा फरीदेव उस्मान उसामा अब्दुल्कादर जीशान हसन आजम खान इमरान एम इलियास जब्बार अली खान एंड शेर अली जी अच्छा मैसेजेस इमरान एम इलियास सर में जी जीशान बेटा आपकी अटेंडेंस कट गई है हसनैन आजम खान आवाज नहीं आ रही सन आई एम लिसनिंग नथिंग नदा सत्तार बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई है जब्बार अली खान इमरान बेटा अपना स्पीकर चेक कर लो रीजन बीइंग कि मेरे पास यहाँ से तो मेरी सेटिंग पूरी की पूरी ओके है मुझे नहीं पता कि आप लोग आपके पास आवाज क्यों नहीं आ रही बाकी सबके पास ऑडिबल है एक काम ये करो इनकेस अगर नहीं भी आ रही तो इशू इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये पूरा के पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा तो आप इजीली जो है फिर उसको सुन भी सकते हो और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप उसे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हो ओके जी अटेंडेंस सबकी क्लियर होगी अटेंडेंस सबका हो गई है किसी को कोई सवाल है तो फिर पूछ ले वरना फिर मैं नेक्स्ट सेशन जो है स्टार्ट करो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें फिर हम पेपर को भी डिस्कस करें और फिर उसको कंक्लूड करें जी जनाब एनीवन विद एनी क्वेश्चन अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले चले ठीक है जी इसको जो है वो हम कंक्लूड करते हैं मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद हम लास्ट सेशन अगला जो है मैं सेशन जो है वो रिस्टोर करूंगा तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हम आपके जो है जो भी डिस्कशन वगैरह है वो हम जो है वो कर लेते हैं ठीक है मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ उसको क्लोज कर रहा हूँ मैं